निष्कर्षों की व्याख्या करना। जब हम किसी बच्चे का भाषक मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि हम उसके उच्चारण शक्ति को देखते हैं, या उसके लेखन कौशलता को देखते हैं, या शब्द भंडार को हम देखते हैं कि बालक कितने सारे शब्द भंडार जानता है, या बालक के वाक्य चयन को देखते हैं कि बालक किस तरह से भाषिक तौर पर अच्छे अच्छे वाक्यों का चयन कर लेता है, या हम बालक के सभी भाषा के जो कौशल है, चारों कौशल, बोलने के कौशल, लिखने के कौशल, पढ़ने के कौशल या सुनने के कौशल, इन सभी कौशलों का मूल्यांकन करने कर लेते हैं अपनी विधियों से, प्रविधियों के चयन से, प्रविधियों के प्रयोग से, तो फिर जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है मूल्यांकन प्रक्रिया में, उस निष्कर्ष की व्याख्या करना भी अति आवश्यक होता है कि हाँ, बालक ने भाषा मूल्यांकन में या भाषा की कक्षा में इस सीमा तक सफलता प्राप्त की है, या बच्चा के भाषिक शिक्षा में क्या क्या कमी रह गई है, उन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सके, इन सब के उपाय भी देना आवश्यक होता है। तो मूल्यांकन प्राप्त निष्कर्ष का व्याख्या में हम यही करते हैं कि भाषा शिक्षण में बालक ने किस सीमा तक भाषा कौशलता प्राप्त की है उसका वर्णन करेंगे, साथ ही साथ बालक में कहाँ कमी रह गई है और उन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन सबों को भी उसमें सम्मिलित करेंगे। आशा करती हूँ मूल्यांकन के सोपान आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन भी एक अति आवश्यक है। मूल्यांकन के द्वारा हम बालक के भाषिक परिपक्वता को जान सकते हैं और बालक को और अच्छी तरीके से भाषा सिखाने में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले कक्षा में हम किसी अन्य विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।